हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं मध्य प्रदेश समान ज्ञान का एक लेक्चर लेकर आई हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक परिदृश्य। इसका एक पार्ट वन करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय किया था। ये ऑडियो लेक्चर होगा, पिक्चर्स के थ्रू आपको मैं बताऊँगी चीज़ें, और इसको आप कहीं भी कान में लीड लगा के अपना आराम से ट्रैवलिंग कर रहे हों या अपना कोई भी काम कर समय ये सुन सकते हैं, ताकि और जितना ज़्यादा इसको सुनेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतना आपको ये मेमोराइज होगा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, आपको लर्न रहेगा। तो ये वीडियो ऑडियो लेक्चर इसलिए बनाया गया है क्योंकि हर चीज़ देखने से नहीं, काफ़ी कुछ चीज़ें सुनने से भी लर्न रह जाती हैं। तो और एक चीज़ और, ये जो मैं मध्य प्रदेश के लेक्चर्स बना रही हूँ, इसमें ए टू जेड सब कुछ कवर कर रखा है। इसके अलावा कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और ये लेक्चर मेंस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये प्री के लिए है। इसके साथ साथ जीएस पेपर वन और जीएस पेपर फोर के लेक्चर मैं मंडे से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से वो लेक्चर अभी नहीं हो पाए हैं। उसके लिए मटीरियल बहुत, मतलब कि हमें सर्च करना पड़ता है, छाँटना पड़ता है, इससे प्रॉब्लम आ रही है। तो मंडे से कॉन्टीन्यूटी रहेगी हमारे लेक्चर्स में, वो लेक्चर हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे, और बाकी जो लेक्चर चल रहे हैं एज इट इज़ हमारे चैनल पर चलते रहेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए, और उसमें आप अपने जो भी आपको पसंद आता है आप सीरीज देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके काम की उसमें कौन सी सीरीज चल रही है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य का पार्ट वन। तीन युग थे मेनली, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो मध्य प्रदेश में भी उसी के अनुसार तीनों युग पाए गए हैं, तीनों काल की चीज़ें पाई गई हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा यहाँ पर कवर करेंगे, पूरा पाषाण काल से लेकर महाजनपद काल से लेकर पूरा जो आगे हमारा मराठास तक आता है, और ये जो मालवा, परमार वंश, चंदेल वंश, जितने भी वंश थे मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट वंश जो थे, हम सब यहाँ पर कवर करेंगे। ऐतिहासिक परिदृश्य में कौन से राजा कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट थे, इसमें सब कुछ कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्थलों का उत्खनन और शोध के उपरांत हमें पता चला है कि वहाँ जो प्राप्त उपकरण हुए हैं उनकी बनावट के आधार पर कालों को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताऊँ, पुरापाषाण काल जो कि यहाँ पर कहा गया है 2.5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पुरापाषाण काल को, और इसे पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसमें तीन पार्ट से नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण हुआ है, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में मेनली नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण पाया गया है। तो नर्मदा घाटी में एच डी सांकलिया, मैक क्राउन, आर बी जोशी द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया है। यहाँ के हथनौरा नामक स्थान से मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। महादेव पिपरिया से सुपेकर महोदय को 860 औजार मिले हैं। इसी प्रकार भीमबेटका व बेतवा नदी से भी औजारों की प्राप्ति हुई है। सोन घाटी से निसार अहमद ने कई उपकरण की खोज की है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, जो कि वन लाइनर में एमपी के प्री में पूछे जाते हैं, और मेंस के लिए भी एज वेल एज ये उतना ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। सेकंड हम बात करें इसमें मध्य पूर्व पाषाण काल की, तो यहाँ पर भी सुपेकर महोदय द्वारा मंडला में सर्वेक्षण कार्य किया गया। इस काल के साक्ष्य मिले हैं सोनघाटी, नाहरगढ़, मंदसौर, सीहोर, इंदौर और भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, उच्च पूर्व पाषाण काल। इस काल के उपकरण भीमबेटका, रीवा, सोनघाटी क्षेत्र, शहडोल आदि से प्राप्त हुए हैं। तो ये तीनों एरिया के इस एरिया में साक्ष्य मिले हैं। ऐसे ही इसी के साथ साथ एक और चीज हम देख लेते हैं, ताम्र पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में। तो इस काल के प्रमुख स्थल हैं महेश्वर, नवदा टोली, कायथा, एरन से पत्थर और ब्लेड उपकरण के साथ ताम्र धातु के भी प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि बालाघाट जिले में स्थित गंगरियाल की है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ताम्र पाषाणकालीन स्थल के रूप में। आगे हम बात करेंगे इसमें
मध्य पाषाण काल की, जो कि 10,000 ईसा पूर्व के बाद का एरिया होता है। इस काल की सभ्यता के प्रमाणों का पता लगाने के लिए बीबी मिश्रा के द्वारा उत्खनन का कार्य करवाया गया। इनके द्वारा भीमबेटका से ब्लेड उपकरण की खोज की गई। तो ये मेनली मध्य पाषाण काल में इतनी ही चीजें पाई गई हैं मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो ये 5000 ईसा पूर्व तक पाया गया और इसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। इस काल में स्थायी निवास और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और मध्य प्रदेश में एरन, आदमगढ़, जतकारा, दमोह, सागर, जबलपुर आदि से नवपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से नवपाषाणिक संस्कृति के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो जो जगह मैंने आपको बताई। चलिए आगे बात करते हैं। हम बात करेंगे लोह युगीन संस्कृति की। हर एक संस्कृति के बारे में बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश में मिलती है। तो ये 1000 ईसा पूर्व तक थी। इसे आयरन एज कल्चर भी कहा जाता है। लगभग 1000 से 950 ईसा पूर्व में लोहे की खोज के बाद के काल को लोह युगीन संस्कृति या फिर इसे उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। मुरैना, भिंड, ग्वालियर क्षेत्र में लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर मृदभांड लोह युग की पहचान है, जब लोग लोहे के औजारों का प्रयोग करने लगे थे। चलिए हम आगे बात करेंगे महापाषाण संस्कृति, जिसे मेगालिथ कल्चर भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों से निर्मित कुछ समाधियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें महापाषाणीय स्मारक या मेगालिथ कहा जाता है। जिस काल में इसका निर्माण हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ये स्मारक प्राप्त हुए हैं रीवा तथा शिवनी जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित हथनौरा में एक ही स्थान पर लगभग 500 महापाषाणीय स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो महापाषाण संस्कृति जो थी मेनली दक्षिण भारत की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में रीवा और सिवनी जिले में ये पाई गई है। इतने इतने फैक्ट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैदिक युग, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ये अब इस काल का जो आदि ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद भारत में आर्यों का आगमन सर्वप्रथम पंचनद प्रदेश में हुआ। उत्तर वैदिक काल की कुछ अनार्य जातियों के नाम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होते हैं। ये जातियां मध्य प्रदेश के अंतर्गत घने जंगलों में निवास करती थी। इनमें निषादों का नाम विशेष तौर पे उल्लेखनीय है। आगे बात करें इसी में, पौराणिक कथा के अनुसार कारकोट के नागवंशी शासक नर्मदा के किनारे काढ़े नामक स्थान पर शासन करते थे। अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मानधाता ने नागवंशी शासकों और गंधर्वों के संघर्ष की स्थिति में अपने पुत्र पुरुकुत्सु को नागों की सहायता के लिए भेजा था। पुरुकुत्स की सेना ने गंधर्वों को बुरी तरह पराजित किया। इस विजय से प्रसन्न होकर नाग शासक ने अपनी पुत्री रेवा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया था और बाद में पुरुकुत्स ने अपनी पत्नी जो थी रेवा, उसके नाम नर्मदा रखा, मतलब रेवा का नाम नर्मदा रखा। इसी वंश के शासक मुचकुंद ने नर्मदा के किनारे अपने पूर्व मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी की स्थापना की, जो वर्तमान खंडवा जिले का क्षेत्र है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है वैदिक युग का। अब मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वैदिक युग के बारे में मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको ज़रूर मेमोराइज कर लीजिएगा। रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंडकारण्य और महाकांतर के घने वन थे। अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन यदुवंशी नरेश मधु इसी क्षेत्र के शासक थे। राम के भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दशाण, वर्तमान जो विदिशा है जिसको दशाण कहा जाता था पहले, पर शासन किया, जिसकी राजधानी कुशावती थी। पुराणों में वर्णन है कि सतपुड़ा व विंध्य प्रदेश के वनों में कभी निषाद जाति के लोग निवास करते थे। अपने अज्ञातवास का कुछ समय पांडवों के ने यहाँ के वनों में भी व्यतीत किया था, ये सतपुड़ा और विंध्य प्रदेश के वनों में।
महाभारत के युद्ध में इस क्षेत्र के राजाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। महाकाव्य काल के प्रमुख नगर विराटपुरी, जिसे सुहागपुर कहा जाता है, कुंतलपुर जिसे कौड़िया कहा जाता है, महिष्मती जिसे महेश्वर कहा जाता है, और उज्जैनी जिसे उज्जैन कहते हैं, वो महत्वपूर्ण नगर थे। अनुश्रुतियों के अनुसार मनुष्यों की परंपरा में अंतिम मनु वैवस्वत हुए, जिनके 10 पुत्र थे। इनके करुष नामक पुत्र से कारुष वंश चला और कारुष देश की स्थापना हुई, जो वर्तमान में बघेलखंड में स्थित है। इस काल के शासक यदु का चरमणवती, जिसे चरमावती और आधुनिक काल में अब चंबल कहा जाता है, शुक्तिमती जिसे केन कहते हैं, तथा वेत्रावती जिसे बेतवा कहते हैं, नदी की जलधाराओं से सिंचित प्रदेश पर शासन था। मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर मानव वंश के इक्ष्वाकु वंश के पुत्र दंडक का राज्य था, जो घने वनों से घिरा हुआ था। उसी के नाम से यह क्षेत्र दंडकारण्य कहलाया। हैहक राजा महिष्मती ने महिष्मती नगर बसाया, जो वर्तमान में महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। कौशिक ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर चरमणवती जिसे चंबल कहते हैं और शुक्तिमती जिसे केन कहते हैं, नदी के मध्य के प्रदेश अर्थात बुंदेलखंड में राज्य स्थापित किया। कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार नल ने ही नलपुर नगर बसाया था, जो आधुनिक शिवपुरी जिले में नरवर के रूप में जाना जाता है। कवि वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के किनारे पर था। कुछ विद्वानों के अनुसार ये तमसा आधुनिक टोंस नदी है, जो कि अमरकंटक से निकलती है। अब मैं कुछ प्राचीन जनपदों के नाम बताऊंगी, और वो जो पुराना नाम बताऊंगी और उनका आज के युग में क्या नवीन नाम है वो आप लर्न कर लीजिए, आता है एग्जाम में। जैसे कि अवंती को आधुनिक युग में क्या कहा जाता है, तो अवंती को आज के युग में उज्जैन कहा जाता है। वत्स को ग्वालियर कहा जाता है। चेदी खजुराहो को कहा जाता है। अनूप को अब निमाड़ कहा जाता है, जो कि खंडवा और खरगोन दोनों में है। दशाण जिसे विदिशा कहा जाता है। तुंडिकेर जिसे दमोह अब कहा जाता है। और नलपुर जिसे नरवर, जो कि शिवपुरी में है, कहा जाता है। नलपुर जिसे नरवर कहा जाता है और ये शिवपुरी में है। तो आज मैंने आपको बताया कि पुरापाषाण काल के क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, लोहयुगीन संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति, मेगालिथ, वैदिक युग के बारे में जाना, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट जाने इम्पॉर्टेंट, जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे महाजनपद काल, मौर्य काल, शुंग और कर्ण वंश, कुषाण काल, सातवाहन काल, ये सारे हम नेक्स्ट में करेंगे, और मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करेंगे। ये सब वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट करके बताइए कि ये ऑडियो सीरीज़ कैसी लग रही है आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।